हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टॉप टेक्निकल टुडे यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हर्षज और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग को VLC में एक छोटा सा प्रॉब्लम आता है वीडियो में कि हमारा जो वीडियो होता है वो चिलमिलाता हुआ चलता है या कह सकते हैं धुना धुना से चलता है, तो हम लोग उसे सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आपके VLC में भी यह प्रॉब्लम आता है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप जान सकें कि आपके VLC में जो वीडियो प्रॉब्लम आता है उसे आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर एक वीडियो देख रहे हैं, देखिए कैसा ये वीडियो चल रहा है, चिलमिला रहा है स्क्रीन पर। तो शायद आपके PC में कुछ ऐसा ही प्रॉब्लम आ रहा होगा। तो आप इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इस प्रॉब्लम सॉल्व करने का 2-3 तरीका है। पहला तरीका तो मैं आपको यह बताता हूँ कि आप सबसे पहले अपने VLC को खोल लीजिए। VLC खोलने के बाद टूल्स का ऑप्शन यहाँ पर दिख रहा है, इस टूल्स के ऑप्शन पर जाइए। उसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंसेस देख रहे हैं, इस प्रेफरेंसेस में जाइए। प्रेफरेंसेस में जाने के बाद आपको यहाँ पर इंटरफेस दिख रहा है। इंटरफेस में जाने के बाद नीचे जाइएगा तो यहाँ पर शो सेटिंग में सिंपल और ऑल है, तो ऑल पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर इनपुट कोडेक्स दिख रहा है, तो इनपुट कोडेक्स के अंदर आप यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो कोडेक्स के आगे एक एरो का निशान है। तो उस एरो पर आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा नीचे ढेर सारा ऑप्शन मिलेगा, उसमें एक आपको मिल रहा है FFmpeg, इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पर क्लिक कीजिए यहाँ पर आपको थ्रेड्स का ऑप्शन दिख रहा है। डिकोडिंग में जाइएगा, यहाँ पर डिकोडिंग का ऑप्शन दिख रहा है, इसके अंदर है थ्रेड्स। इस थ्रेड्स में आपको वैल्यू डिफॉल्ट 0 रहेगा, तो आपको क्या करना है 1 से 5 तक में इसमें कुछ भी वैल्यू डाल देना है 0 को छोड़ा कर। तो मैं यहाँ पर 2 वैल्यू डाल देता हूँ, यहाँ पर 2 डाल देता हूँ। उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब मेरा वीडियो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया होगा। देखिए आप देख सकते हैं यह वीडियो है जो पूरी तरह से क्लीन और अच्छे तरीके से चल रहा है। तो पहला उपाय तो यह हुआ कि आप जो थ्रेड्स में वैल्यू 0 की जगह 2 या 3 या 4 5 कुछ भी डाल दीजिएगा 1 से 5 तक लेकर। दूसरा सोल्यूशन यह है कि हमारा जो ये वीडियो प्रॉब्लम आता है ज़्यादातर MKV फाइल में आता है। MKV फाइल मतलब MKV फाइल का एक्सटेंशन में वीडियो का। वीडियो जो हमारा होता है बहुत सारे फाइल फॉर्मेट में आता है, जैसे कि .mkv, .mp4, .avi, जिसमें कि एक होता है .mkv। उस MKV में ज़्यादातर ये धुंधला धुंधला सा या कह सकते हैं चिलमिलाता हुआ वीडियो प्रॉब्लम आता है। तो आप दूसरा उपाय क्या कीजिएगा, इंटरनेट पर आपको बहुत सारा MKV फाइल को या किसी भी फाइल फॉर्मेट वीडियो का, किसी भी वीडियो के फाइल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देता है। तो आप किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके MKV फाइल को MP4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यह वीडियो है जो MKV का एक्सटेंशन, देखिए .mkv लिखा हुआ है। शायद आपके कंप्यूटर में यह MKV .extension नहीं दिखा रहा होगा, तो इसको दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक सेटिंग को इनेबल करना पड़ेगा। सबसे पहले आप कंट्रोल पैनल में जाएंगे। कंट्रोल पैनल में जाने के बाद यहाँ पर आपको फाइल लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन दिख रहा है, इस पर जाना है। इसके बाद भीम में जाना है। उसके बाद यहाँ पर देख रहे हैं हाइड एक्सटेंशन फॉर अननोन फाइल टाइप, इसको आपको टिक किया हो रहेगा, तो इसको आपको अनटिक कर देना है और ओके कर देना है। तो आपका एक्सटेंशन यहाँ पर दिख जाएगा। तो जो .mkv का एक्सटेंशन रहता है इसको आप MP4 में किसी सॉफ्टवेयर का मदद लेके कन्वर्ट कर दीजिए। उसके बाद जो आपका MP4 वीडियो आएगा कन्वर्ट होके, वह जो अच्छे तरीके से चल सकता है आपके VLC में। यह दूसरा उपाय हुआ। अगर आपका प्रॉब्लम इससे भी सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो आप अनदर वीडियो प्लेयर डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एक डिस्क्रिप्शन में एक सॉफ्टवेयर दिया है, वीडियो प्लेयर दिया जिसका नाम है कम्बाइंड कम्युनिटी कोड पैक। यह जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप वहां जाके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और सारे वीडियो को अच्छी तरीके से चला सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूं आपका भी वीडियो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। अगर आपका भी वीडियो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दिएगा ज़रूर, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिएगा क्योंकि मैं इस तरह का वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक के लिए गुड बाय।